सुल्तानपुर में शहर के खैराबाद स्थित अजाखाना सनियत जहरा से शुक्रवार रात आगाजे मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। अंजुमन गुंचे मजलूमिया खैराबाद ने नौहा खानी व सीना जनी कर पुरसा पेश किया। देर रात हुसैनी हाल स्थित नसीम आब्दी के घर पर जुलूस समाप्त हुआ। शहर स्थित सिया समुदाय के अजादार हुसैन ने बताया कि जुलूस में सबसे पहले मजलिस का आयोजन हुआ, इसके फौरन बाद अंजुमन ने नौहा खानी व सीना जनी पेश किया। जुलूस हुसैनी हाल से मस्जिद मीरबंदे हसन से होता हुआ मस्जिद हीरा होते हुए हाजी रसीद करबलाई के घर तक गया। यहां सबील की व्यवस्था भी की गई थी। यहां से पुनः जुलूस इसी रास्ते से वापस हुसैनी हाल पहुंचकर समाप्त हुआ। यहां पर लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। अजदार हुसैन ने बताया कि हर साल आगाजे मुहर्रम पर जुलूस इसी शानो शौकत से निकाला जाता है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मुहर्रम के चांद की तस्दीक नहीं हुई है, ऐसे में रविवार को एक मुहर्रम होगा और दसवीं मुहर्रम 9 अगस्त को होगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब 10 दिनों तक शहर व जिले भर के इमाम बारागाहों में मजलिसे व अलग अलग तारीखों में जुलूस निकलेगा। इसी क्रम में सुरौली गांव में अंजुमन अब्बासिया की ओर से अजाखाना अबू तालिब में 10 रोजा मजलिसों का आयोजन किया गया है, जिसमें पेश खानी अमन सुल्तानपुरी करेंगे। मजलिस को सेथल बरेली से तशरीफ लाए मौलाना सै गजनफर अली साहब खिताब करेंगे। 10 दिनों तक अंजुमन अब्बासिया नौहा खानी व सीना जनी पेश करेगी। और जो हर इमाम बारे में होती है, हर साल होती है और काफ़ी पुरानी मजलिस है जो बहुत मुद्दत से होती आ रही है, छोटे से आज भी हो रही है और उसी शान शौकत के साथ हो रही है और कामयाबी से। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज